हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ पीरियड नाउ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स एंड यू हैव विद यू ऑल्सो योर सोशल स्टडीज बुक. ओपन इट नाउ. राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. फाइन. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 15, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. 1885 से लेकर 1919 तक हमारे कौन से चले थे? नेशनलिस्ट मूवमेंट चले थे. तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे. फाइन. क्योंकि आफ्टर द रिवॉल्ट जो हमारा हुआ था 1857 का, बहुत ही ज़्यादा यूनिटी लोगों में कम हो चुकी थी. तो अब लोगों में यूनिटी होने का टाइम आ गया था, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा फेलियर था हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फायदा इसी का उठाया था, बिकॉज ही वांटेड टू कीप इंडिया को गरीब करना चाहते थे, बैकवर्ड करना चाहते थे, और हमसे सब कुछ उन्होंने ले लिया था. इवन हमारा नेशनलिज्म भी अब इसी वजह से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी. और सबसे पहला क्या रीजन था, जिसके कॉजेस क्या थे? सबसे पहला तो ये था कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे. भेदभाव की भावना बहुत थी, जिसने हम वो फैला दी थी इंडियंस के बीच में. और उन्होंने जो इंडियन को बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ रहे थे. और थर्ड है कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, उन लोगों को दूसरे कॉन्टैक्ट पे जाने के लिए बहुत हेल्प हो रही थी वहाँ पे. फोर्थ वन इज, जो हमारे ब्रिटिश थे नीडेड द इंडियंस को वर्क करने के लिए चाह रहे थे. उन्होंने क्या किया, अपनी इंग्लिश एजुकेशन को फैला दिया और लोगों में इस आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा थिंकिंग, वो क्रांति का आए है, जो क्रांति बहुत सारी उन्होंने हमारे जो इंडियंस थे उनकी जो भावनाएं और जो विचार थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे. एंड सम न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश किए गए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म. और ब्रिटिश ने ट्राई किया था टू स्टॉप देम, बट हाउ एवर दे कंटिन्यू टू बी पब्लिश्ड. और उन्होंने इंडियन मिरर, हिंदू केसरी, इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करवाया, ताकि हमारे इंडियंस में राष्ट्रीयता की भावना को जगा सके. जिनमें कौन थे, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, भारतेंदु, हरीश चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुब्रमण्य भारती थे. ठीक है. और इन्होंने क्या किया था, जैसे हमारे बच्चों की जो हम बहुत सी ज्यादा सती प्रथा चल रही थी उस टाइम पे, कास्ट को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जा रही थी, चाइल्ड मैरिज, किलिंग ऑफ फैमिली बेबीज एंड इलिटरेसी, इनको देख के हमारे जो बहुत सारे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इस तरीके से बहुत जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए थे ताकि हमारी सोसाइटी को बढ़ावा मिल सके. और यहाँ पे क्या हो गया था, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे, उन्होंने मॉडर्न मिल्स, फैक्ट्रीज चला ली थी, जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, रोजगार दिया गया था. अब वहाँ पर सोशल इवेंट्स चल गई थी कास्ट सिस्टम के बारे में, जहाँ पर उन्होंने फील किया था नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आ गई थी वहाँ काम करने से लोगों में. ठीक है. एंड फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस क्या हो रहा था वहाँ पे, मिड 19th सेंचुरी का जब टाइम था, बहुत सारे एसोसिएशंस को इस डिमांड के ऊपर रखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके पास एंड सम राइट्स भी होने चाहिए हमारे इंडियंस के लिए. एंड देयर फोर सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्टेप्ड फॉरवर्ड. और वे आए और उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल लेवल पे काम कर रही थी. और जो भी हमारे ब्रिटिशर्स ने उन पे जो भी इनजस्टिस कर रहे थे, है ना, उसका उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था, रोकथाम करवाना चाहते थे उसकी. ठीक है. और फाउंडेशन क्या हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC जिसका नाम है, और जिसको फॉर्म कब किया गया था, 1885 में. ठीक है. जिसका हमारा जो निर्माण किया था, इसका किसने किया था, AO Hume ने, जो हमारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जिनको क्रेडिट किया गया था इट्स इंफॉर्मेशन. और फर्स्ट जो सेशन था वो कब किया गया था, बॉम्बे में हेल्ड किया गया था, जो किसकी, WC बनर्जी की पार्टनरशिप में था, प्रेसिडेंटशिप, यानी वो इसका क्या कर रहे थे, अहम हिस्सा थे उसका. ठीक है. और INC ने ट्राई किया था कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए और उनमें रिफॉर्म्स, बदलाव लाए जाएं, जो हमारी कंट्री को या हमारे भारत देश को भी बहुत फ़ायदे में रखे. और मॉडरेट फेज में क्या हुआ था, इन द बिगिनिंग में जो कांग्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट थी,
और वो क्या करते थे, पेटिशंस थे गवर्नमेंट के जो उसको अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस के उनको पीसफुल में और पोलाइट मैनर में रखना चाहते थे, तो इसके लिए उनको बोला जाता था मॉडरेट फेस। और कुछ हमारे थे जिनको में क्या था, एक्सट्रीमिस्ट फेस कौन थे, जो चाहते थे कि हम आराम से कुछ भी कहते रहेंगे, कोई हमारी नहीं सुनेगा, गवर्नमेंट बदलेगी नहीं, तो वो चाहते थे हम थोड़ा कुछ ऐसा क्रांतिकारी काम करें जो हमें करना चाहिए, और कुछ ऐसा करेंगे तभी गवर्नमेंट हमारा हमें समर्थन देगी। ठीक, एंड बंगाल डिवीजन वी नो वेरी वेल, बंगाल को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से लॉर्ड कर्जन के अनाउंस किया था उन्होंने कि भाई हमारे जो हैं बंगाल वॉज अ लार्ज प्रोमिनेंस था टू एडमिनिस्टर और इट वॉज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को अलग अलग दो हिस्सों में बांटेंगे ताकि उसको हम जो कंट्रोल में ला सके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने देखा कि इस क्यूनिंगलेस से प्रोटेस्टेड हुआ और दोनों को उन्होंने अलग अलग बना दिया था। ठीक है, और स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ये क्या थे, दे वर वेरी फेमस। बच्चे आपको मालूम है या नहीं आई डोंट नो, बट आपने पढ़ा भी होगा स्वदेशी होता है कि हम सिर्फ अपने देश के सामान को, अपने देश के बने कपड़े को ही यूज़ करेंगे, हम जो विदेशी कपड़ा है। ठीक है, और साथ में इनके साथ क्या गाना गाया था इन्होंने, वंदे मातरम का, कि हम अपने ही सामान को यूज़ करेंगे। और जो हमारा बायकॉट मूवमेंट है यानी बाहर का विदेशी सामान है हम उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, और हमारे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे लाइक हमारे खादीराम बोस और प्रफुल्ले चकी, जिन्होंने एक बॉम्ब रखा था ब्रिटिशर्स के कोच में जिसमें दो ब्रिटिश वुमेन भी मारी गई थी और चकी ने किल्ड किया था वाइल खुदीराम बोस वॉज कॉट, पकड़े गए थे और उनको एग्जीक्यूट किया गया था। एंड मैनी रेवोल्यूशनरीज ने जब उनको देखा कि ऐसा हमारे साथ जो हो रहा है ये वाला बहुत गलत हो रहा है, तो काफ़ी लोगों ने उन्होंने क्या बनाई थी, जो माइग्रेंट्स थे जो पंजाब से आए हुए थे उन्होंने अमेरिका में सेटल थे, उन्होंने गदर पार्टी बनाई थी ताकि उन रेवोल्यूशनरीज को हेल्प किया जा सके, और उन्होंने बहुत सा अमाउंट में मनी और बहुत से आर्म्स वगैरह इकट्ठे किए थे ताकि उनकी हेल्प की जा सके। और ब्रिटिश ने क्या किया था, डेल्ट विद देम, और उनको कईयों को तो फांसी तक भी लटका दिया गया था ताकि हमारे जो थे लोगों को उनसे क्या हो, नुकसान ना पहुंच सके। और खुद ही राम बोस जो हमारे बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरी थे, 15 साल के थे वो, उन्होंने क्या किया, एक बॉम्ब फेंका प्रफुल्ला चक्की पे ब्रिटिश कोच में। ठीक है, और वर्ल्ड वार हमारी 1914 से 1918 तक चली थी, और जिसके कारण क्या हुआ था, हमारे डिसाइड किया उन्होंने कि हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि इस फ्रीडम के बाद उनको आगे तक फ्री रहना था। ठीक है, जिसमें हमारे लेड कौन कर रहे थे हमारे स्ट्रगल के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी। एंड यू हैव द न्यू वर्ड्स ऑन योर स्क्रीन, जिसमें आपको राइट करना है, कॉपी में लिखने हैं ये वर्ड्स एंड लर्न भी करने हैं। फाइन, और आपकी नोटबुक में ये आंसर्स, एक क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी एंड डी क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज एंड लर्न देम। ठीक है क्लास, ओके नाउ।